नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार। टू रेस में एक्चुअली एक प्रॉब्लम ज़्यादातर आ जाती है, इवन टू रेस क्या मोस्टली जितनी भी सीएनजी गाड़ियाँ हैं उसमें एक दिक्कत आ जाती है कि कई बार क्या होता है गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं होती है। और वहाँ पे आप देखेंगे, जैसे आप MID मीटर में देखेंगे, वहाँ पे जो आपका क्या रहेगा CNG आपका ब्लिंक भी करेगा, प्लस में क्या है कि CNG के ऊपर यहाँ एक रिंच बन के आएगा और गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी, ना आपकी पेट्रोल में स्टार्ट होगी ना आपकी CNG में स्टार्ट होगी। तो उस टाइम पे एक्चुअली वो क्या कर सकते हैं, जैसे मेरे साथ में एक्चुअली पर्सनली हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं इस वीडियो में, फिलहाल देख सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गाड़ियाँ मेरी स्टार्ट नहीं हो रही, ऊपर देख रहे हैं आप ब्लिंक कर रही है बार बार CNG, और यहाँ पे आपको CNG के नीचे एक आपको रिंच बन के आ रही है। तो वो चीज़ें बड़ी दिक्कत कर रही हूँ, काफ़ी देर से मैंने कोशिश की तो नहीं हुआ, और मैंने तकरीबन 1-1.5 घंटे हो गया कंपनी में फ़ोन भी किया था, बट वहाँ पे कोई भी मेरे को फ़ायदा नहीं मिला। बाद में लेकिन एक बंदे ने बताया कि सर एक्चुअली क्या होता है कई बार कि CNG जो हमारा पीछे का एरिया होता है उसमें क्या होता है एयर हो जाती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए उसे कैसे सही करेंगे, आप क्या कर रहे हैं, सिंपल सा ये आपका जो ढक्कन है CNG का, ये एक्चुअली क्या होता है कई बार हल्का सा अगर ढीला रह गया तो यहाँ पे क्या होगी एयर भर जाती है गाड़ी के अंदर, तो उसकी वजह से आपकी गाड़ी वो स्टार्ट नहीं हो गई। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा आपको किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, आपको जो ढक्कन है उसे वापस से निकाल के अच्छी तरीके से लगा देना है, फिर आप दोबारा से स्टार्ट करेंगे, आपकी गाड़ी ईजिली आराम से स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे अगर CNG गाड़ी में कोई दिक्कत होती है, चाहे तो आपके पास में टू रेस हो या कोई भी अदर गाड़ी है, उसमें आपको ये इस ऐसी सिचुएशन में आपको सिर्फ यही करना होता है, बाकी कोई बहुत बड़ी चीज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे ना मिस हो सके, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर करिए ताकि बहुत से लोगों को हेल्प मिल सके। मिलते हैं साथ में, थैंक यू सो मच।